नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की पल पल की हर अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहती है। तो कल मैंने एक आपको न्यूज़ दी थी कि एक धनबाद में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ने, फुटबॉल के कोच ने, जो है आत्महत्या कर ली, क्योंकि कोरोना के दौर में वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उनकी जॉब जो है जा चुकी थी सारी जॉबें। तो उसी कड़ी में मैं एक और आपको थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहूँगा, जो यूपी के खास करके जो कैंडिडेट हैं उनको, क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट आया हुआ था यूपी के रिगार्डिंग भी, उस वीडियो के नीचे कमेंट में, जो यूपी सरकार में अखिलेश सरकार थी, इससे पूर्व की सरकार, योगी सरकार से पूर्व की सरकार, सपा की सरकार थी उस टाइम पे, वहाँ पे 32,000 जो है खेल कूद और शारीरिक शिक्षा के जो अनुदेशक होते हैं अंशकालिक बेस पे, उनकी जो है फॉर्म निकाले गए थे। और वो फॉर्म निकाले गए थे और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात उस टाइम पे चल रही थी, लेकिन योगी सरकार ने तुरंत आते उसको रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो है नियमों के खिलाफ है। मैं वहाँ पे थोड़ा सा, मैं आपकी आवाज़ भी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ तो है नहीं कि हम कहीं पे जाके धरना प्रदर्शन करें या सरकार का। मैं वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ को उठा सकता हूँ। आप इतना कर सकते हो कि वीडियो को शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सरकार के किसी आदमी तक पहुँचे। सबसे बड़ा जो कारण है फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में है, मैं भी मानता हूं कि बेरोजगारी एक कारण है, और फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में बेरोजगारी होने का मुख्य कारण है सरकार की नीतियां। हालांकि पिछले 3-4 साल में वैकेंसीज आई हैं, लेकिन यूपी जैसे एक बड़े स्टेट के अंदर वैकेंसीज का इतने कम मात्रा में आना, वो जो है सवालों के घेरों में आता है। और आई वैकेंसियों को ख़त्म करना, उनको जो है रद्द करना, वो और भी जो है सवालों के घेरे में खड़ा करता है सरकारों को, क्योंकि सरकारों की नीति है क्या। दरअसल योगी सरकार ने जाते जाते क्या किया, दरअसल था क्या नियम पहले, 100 से ज़्यादा जो विद्यार्थी होते हैं वहाँ पे एक अनुदेशक की जो है अंशकालिक बेस पे लगाने का प्रावधान है, लेकिन योगी जो पीछे की सरकार थी, अखिलेश सरकार ने क्या किया कि 100 से कम विद्यार्थी जिस स्कूल में होंगे वहाँ पे भी एक स्थायी अनुदेशक, जो अंशकालिक अनुदेशक, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। उसके लिए फॉर्म अप्लाई वगैरह करवाए गए और 32,000 के आसपास जो वैकेंसीज थे उसके लिए, लेकिन योगी सरकार ने उसे ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि नियम 100 से ज़्यादा विद्यार्थी स्कूल वाले विद्यार्थियों के लिए है ये, आप एक अंशकालिक अगर टीचर रखना चाहते हो, अनुदेशक रखना चाहते हो, तो 100 से ज़्यादा विद्यार्थी होने चाहिए स्कूल में स्टूडेंट। तो ये सरकार की नीतियों के ऊपर भी सवाल है। जब आपके पास ऐसे 32,000 के आसपास स्कूल खाली पड़े हैं, जहाँ पे विद्यार्थी तो 100 से कम है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर की अगर जरूरत हो, तो मेरे ख्याल से सरकारों को वहाँ पे नियुक्तियाँ देनी चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल में एक एक बच्चे का स्वास्थ्य मायने रखता है। अगर फिजिकल एजुकेशन के बेरोजगार आपके राज्य में हैं और वो आपके स्कूलों में एक कम से कम सैलरी में सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि रेगुलर वैकेंसीज तो ना के बराबर निकालते हैं सरकारें, जितनी भी सरकारें रही हैं वो ना के बराबर कभी कभार आती हैं सालों में। लेकिन जब अनुदेशक के बेस पे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हावी है कि हर कोई स्टूडेंट तैयार है जॉब करने के लिए, फिर भी सरकार द्वारा इस तरह के निर्णय लेना रियल में जो है बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायक है। मैं आपकी आवाज़ को यूट्यूब के माध्यम से उठा सकता हूँ, आप अपनी आवाज़ को कोरोना के बाद जरूर उठाएं, कोशिश करें सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की। कानून का सहारा भी आप ले सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के, लेकिन नियमों में रखें। ये नहीं हो सकता कि आप किसी उपद्रव करें या कोई गैर कानूनी तरीका उठाएं। एक आवाज़ होती है नियमों में, बंधे हुए शब्दों में। मैं भी हद से ज़्यादा आलोचना नहीं कर सकता किसी की, एक लेवल के हिसाब से हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक डर ये भी रहता है कि जैसे 32,000 फॉर्म कैंसिल हो, तो बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें बंद ही होंगी जब अखिलेश सरकार ने फॉर्म निकाले। तो जैसे ही तुरंत उस प्रोसेस को रोका गया, तो रियल में बहुत सारे बच्चों के ऊपर जो है प्रेशर आया हुआ, डिप्रेशन के हालात भी हो सकते हैं, मैं कहूँगा डिप्रेशन के भी हालात हो सकते हैं, और चिंता का विषय भी है हमारे लिए ये। और इसके ऊपर पॉजिटिव रहें आप। मैं आपको, मैं मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ एक तो ये था कि मैं आपकी एक बार आवाज़ उठा दूं, आपको भी ये लगे कि कोई आपके लिए बोल रहा है। मेरा पर्पज़, हालांकि मेरा इतना वजूद नहीं, मैं फिर कहूँगा कि मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ, लेकिन एक यूट्यूब के माध्यम से विचार दे सकता हूँ, शायद कोई अधिकारी सुने। और हो सकता है सरकार में अलग अलग प्रकार के अधिकारी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए कि ये चीज़ गलत हो रही है।
तो वहां तक पहुंच जाए। वो आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, आप वीडियो को कितना शेयर करते हो, कहां तक पहुंचाते हो यूपी के अंदर। लेकिन 32,000 की भर्ती एकदम से कैंसिल होना बहुत सारे बच्चों के ऊपर जो है एक प्रकार का आघात मानता हूं मैं, क्योंकि उस 32,000 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये रास्ता खुलता तो हमारे परिवार के हालात कुछ बदलेंगे, और उसके तुरंत बाद योगी सरकार का कुछ महीने पहले लिया गया फैसला उनके परिवार के ऊपर आज क्या गुजर रही होगी, उनके हालात को समझने के लिए आप उन क्षेत्रों को विजिट भी कर सकते हैं, उनकी समझ सकते हो कि कितना खराब हालात है इंडिया के अंदर बेरोजगारी के। और लगातार जैसे कोरोना के दौर में जो गरीब मजदूर पैदल जा रहे थे तो इधर से उधर, वो भी बहुत सारी दर्दनाक तस्वीरें थी। तो ये चिंता का विषय है, मेरे लिए भी है, मैं भी इसके बारे में ज़रूर बहुत ही ज़्यादा अपने, जब ये न्यूज़ आई मेरे पास भी तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा वो लगा, ये एक प्रकार का धक्का लगा कि हमारे डिपार्टमेंट में यूपी के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है, और वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि ना ही सरकार वैकेंसी निकाल रही, ना इसके ऊपर कोई काम करे। मेरे गांव की बात करूँ तो मेरे खुद के गांव में ना के बराबर फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट, और वो सारे ही जॉब करें। तो मैं मेरे क्षेत्र मेरे गांव में देखूँ तो यहाँ पे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बिहार और यूपी की साइड देखें तो चिंता का विषय है। तो ये मेरा एक तरीका था, मैंने कोशिश की आपके आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की, कहाँ तक पहुँच पाई मेरे को नहीं पता, कहाँ तक जा पाएगी, लेकिन कोशिश मैंने की है। और ये रियल में तकलीफ दे, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव करना चाहूँगा कि आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप इसको ऐसा महसूस ना करें कि रास्ते बंद हो रहे हैं। हालांकि जा चुके होंगे, 3-4 महीने का फैसला है, तो इस दौरान बहुत सारे ने तकलीफें झेल भी ली होंगी, इसका प्रेशर झेल लिया होगा, लेकिन अब भी पॉजिटिव रहें, और कोरोना के बाद शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ। इसके लिए आप कानून का सहारा भी ले सकते हो, हर तरीका अपना सकते हो, लेकिन एक नियमों के थ्रू, ये ना हो कि आप वहाँ पे, आपके ऊपर एक तो बेरोजगारी का ठप्पा, और उसके बाद आपके ऊपर और दूसरी तरह की समस्याएं आ जाएं। तो पॉजिटिव रहें, रियल में यूपी सरकार का ये फैसला एक बहुत ही निहायती, मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही घटिया फैसला मानूंगा मैं इसको, कि भर्ती को रद्द करना, क्योंकि स्कूल में चाहे बच्चे 10 हों, चाहे 100 हों, चाहे 1,000 हो, वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि ओलंपिक 2024 में फलाना मेडल लेके आएंगे, उसके लिए ये स्कीम आ रही है, लेकिन आप फिजिकल एजुकेशन टीचर को, आपका रोजगार ही नहीं है, उनके लिए रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार के ओलंपिक मेडल हमारे देश में आने वाले हैं। तो ये चिंता का विषय है, तो ये मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव रहें, अपनी बात को पहुंचाते रहें सरकार के पास, एकता रखें अपनी, आपकी एकता के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ कि आप इकट्ठे, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। और यूपी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है जो बेरोजगार है। तो अपनी आवाज़ को उठाते रहें, अपने आप को इकट्ठा रखने की कोशिश करें, और कोरोना के बाद सामान्य हालात होने के बाद सरकार के ऊपर वैचारिक रूप से थोड़ा दबाव डालने की कोशिश करें। मैं फिर भी अब आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा, तो आपको यह मेरे द्वारा उठाई गई आवाज़ अगर ठीक ठाक लग रही हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर सके। और आप पॉजिटिव रहिए, ये नहीं है कि यूपी में ही जो है वैकेंसीज का सिर्फ ऑप्शन रहता है, KVS NVS की वैकेंसी आती आती ना के बराबर है, लेकिन जो क्रीम होती है उसके लिए एक मौका बन जाता है। मेहनत करते रहिए लगातार, हौसले मत तोड़िए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे, और कोशिश कीजिए अपने अंदर इतनी स्किल को डेवलप करने की। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में अभी जॉब ना के बराबर है, कोरोना के बाद और भी कम हो जाएंगी, एक बार कम होंगी फिर से देश जैसे ही लाइन पे लौटेगा तो वहाँ पे वैकेंसीज के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन खुद को, खुद की नॉलेज को गेन करते रहिए, फिजिकल एजुकेशन की सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है, ताकि जब कहीं प्राइवेट सेक्टर में आप जाएं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे अपने सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से दिखा सकें कि हमें आता है, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं ऐसे भी देखता हूँ कि बीपेड एमपेड कर लेते हैं लेकिन फिजिकल का पी भी नहीं जानते वो, तो वहाँ पे समस्याएं जो शुरू हो जाती हैं। फिर हम उसको बेरोजगारी नहीं कह सकते, बेरोजगारी उसको कह सकते हैं जब हमारी वैकेंसी जाए और कट ऑफ जो है 100 में से 99 जाने लगे, तो वहाँ पर बेरोजगारी को हावी मान सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे, सरकार से उम्मीद करें वैकेंसी जाए, तो अपने सब्जेक्ट को भी टाइम दें। तो ये थी यूपी के रिगार्डिंग मेरी इन्फॉर्मेशन और बात भी। आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे और चाहते हो कि फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।
आपको समय समय पर यहाँ पे हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।